जो कि दुनिया का 10वां सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है। और अभी मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था, सडनली अचानक से मेरी गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम गुरुद्वारा साहिब पत्थर साहिब। तो भाई मैं हूं अभी चांगला पास के एरिया में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूं अभी संगम पे। कल जंस्कार वैली से मैं कल शाम को बाहर लद्दाख में एंटर हो गया था। रोड थोड़ा ठीक आ गया था तो मैंने थोड़ी सी गाड़ी खींच दी, क्योंकि नीचे तक जो माउंटेन है ऑलमोस्ट मैं 4-5 बार तो घूम चुका इधर, तो जगह घूमी हुई थी पहले से ही। तो मैं कहा थोड़ा आगे, और रात भी हो गई थी तो फिर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और मैं गाड़ी में ही सो गया था। अभी इस टाइम हूँ मैं संगम पे, जो कि निम्बू से 1.5 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे दो रिवर जो है मिक्स होती हैं, एक तो जो जंस्कार रिवर है वो, और दोनों का पानी देखो, ये जंस्कार रिवर है और इसका पानी देखो, ये ले वाली साइड से आ रही है ये वाली रिवर। गाइस अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं हूँ मैग्नेटिक हिल। ये है मैग्नेटिक हिल और इस माउंटेन के पीछे है संगम। तो इस टाइम सुबह का टाइम है तो खाली पड़ा है सब। तो भाई हम पहुँचने वाले हैं अभी गुरुद्वारा साहिब पत्थर साहिब। गाइस मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम गुरुद्वारा साहिब पत्थर साहिब, और थर्ड टाइम मैं गुरुद्वारा साहिब आया हूं। मैं फर्स्ट टाइम मैं आया था 2021, उसके बाद 23 और अभी 24, और मैं हूं गुरुद्वारा साहिब के सामने। और मत्था वगैरह टेक लिया मैंने और चाय वगैरह लंगर वगैरह सक लिया। अब टाइम है ले जाने का, तो अब चलेंगे हम ले। ये है पार्किंग लॉट और ऊपर भी निशान साहिब है ऊपर पहाड़ के ऊपर, और इस साइड। गाइस प्रोग्राम में थोड़ी चेंजिंग है, गुरुद्वारा साहिब से मैं ले नहीं जा रहा, मैं सीधा ऊपर ऊपर होके राइट साइड से सीधा निकल रहा हूँ पेंगोंग लेक। और हुंदर वाली साइड मुझे जाना नहीं है, नुब्रा वैली, क्योंकि पिछले साल ऑलरेडी जाके आया था और पिछले साल मैं इस साइड गया था तो मेरा इस साइड का टूर जो है थोड़ा ख़राब हो गया था। मैं कहीं रुक नहीं पाया था, कहीं कैंपिंग नहीं कर पाया था, बस गाड़ी खींचते गए पेंगोंग वाली साइड। तो पेंगोंग वाली साइड में रात को पहुँचे थे, सुबह फ़ोटो लिए और निकल लिए थे, तो मैं वहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। और सेम ही सीन हुआ था हानले वाली साइड। मैं जा रहा हूँ पेंगोंग की तरफ वाया तांग से और चांगला होके, अभी चांगला पास यहाँ से 25 किलोमीटर है। और एक अच्छी सी लोकेशन आई थी, ये विलेज चेक करो, पूरा ग्रीन और बढ़िया वैली में, और मस्त यहाँ ठंडी हवा चल रही। तो अच्छा साउंड मिल रहा था, मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, ठंडी हवा चल रही है गाड़ी के अंदर, ठंडक महसूस नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा यार कैंपिंग कैसे होगी, आज तो पेंगोंग के लेक के किनारे अगर कैंप भी लगाऊंगा तो तेल निकल जाएगा। पर ठीक है, मौसम अच्छा है, नहीं तो लिए में तो गर्मी रखी थी, गर्मी एसी चलाया था गाड़ी का। तो भाई मैं हूँ अभी चांगला पास के एरिया में, थोड़ा सा इस साइड लोग, मैं कहा गाड़ी इधर खड़ी थी तो मैं कहा देखूँ क्या कर रहे हैं, तो लोग इधर ये बर्फ़ फट जाती है तो इधर सब्जी निकलती है, तो एक तो सब्जी और
एक फूल और निकलता है। सब्जी क्या बताऊँ, ये रहा देखो, ये इसकी सब्जी बनाते हैं, ये ढूंढ रहे हैं कुछ लोग इसकी सब्जी। और एक फूल जैसा होता है छोटा, उसको चढ़ाते हैं मंदिर में, ये वाला, तो ये ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, अब मेरे सामने देख रहे हैं, ये है चंगला पास, सो गाइज मैं हूँ इस टाइम चंगला पास, जो कि दुनिया का 10वां सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास है, हाइट है 17,586 फीट। तो इस टाइम मैं दुनिया के 10वें सबसे हाईएस्ट मोटरेवल विलेज मोटरेवल पास पे खड़ा हूँ, और ये है चंगला का एरिया, और वो सामने चंगला टॉप जो कि आप देख रहे हैं बर्फ से पूरा कवर है एकदम इस साइड से, जो कि एक नया ही टेक्सचर बना रहा है स्नो की वजह से। तो भाई ये लेक चेक करो, क्या जबरदस्त लग रही है, और क्लाउड्स देखो भाई साहब, बादल हो रहे हैं एकदम ब्लैक हो रखे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना बस कहीं ना कहीं फटेंगे ये, एकदम ब्लैक हो रखे हैं। और लेक बड़ी प्यारी है, अभी जब उस साइड में फ़ोटोग्राफी कर रहा था तो वहाँ से बह के आ रही है ये रिवर, और इस साइड आके इकट्ठी हो रही है यहाँ पे। तो ये जो रूट आप देख रहे हैं ये है पेंगोंग लेक जाने का, और तांग से अभी भी यहाँ से कोई 10-12 किलोमीटर दूर रह गया है। तो आज का जो अपना डेस्टिनेशन होगा तांग से होगा, तांग से मैं जाके आज हम रुकेंगे। नज़ारे देखो कितने बढ़िया नज़ारे हैं, और आज वेदर जो है क्लाउडी हो रखा है, तो आज थोड़ा शॉट जो है दूर तक का नहीं मिल पा रहा, बट जो नज़दीकी माउंटेन्स हैं उनका शॉट काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है। और अभी मैं ड्राइव करते हुए जा रहा था, सडनली अचानक से मेरी बैक मिरर पे निगाह पड़ी, और इस साइड देखो क्या जबरदस्त व्यू हो रखा है भाई, क्लाउड्स, ग्रीन माउंटेन, स्नो पीक्स, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मजा ही आ गया। सो गाइज आज का स्टे मैंने इस प्रॉपर्टी में लिया है, होटल पेंगोंग रेजिडेंसी, जो कि तांगसे में है, और ये बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है तांगसे में, और रेट है इसका 2,000 रुपये विद फूड इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।